तुरियान ने अनलिमिटेड टाइम चूज किया था, इसलिए इसके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इसका इसके पास टाइम होता तो मैं हार चुका होता नहीं, क्योंकि टाइम जो है अभी तक नहीं खत्म हुआ, पता है 8 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि रियान शायद ये गेम जीत जाए, क्योंकि ये जो आइडिया था वो काफ़ी ब्रिलियंट था जिसमें उन्होंने। लेकिन मैं आपको अपने तीसरे राउंड में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि बिल्डिंग ऊंची बनती कैसे है, और हो सकता है कि वो बिल्डिंग छत के आसपास भी ना जा सके। तो दोस्तों ये पहले राउंड में आपने देखा होगा पहले ब्लॉग में कि इसने अपनी बिल्डिंग एक बार गिरा दी है, दो बार बार गिरेगी, ये दफा हो जाएगा। क्या हो गया उसे, हम तुम कुछ क्यों नहीं कहते, ऑडियंस को कुछ जवाब दो। खामोश, बकवास कर रही है। YouTube से एक घंटे की यही नहीं लग रही है, क्या कर रहे हो? नहीं हाथ भी लगा सकते तो हमारे प्लेयर को। तो भाई ये मोटा जो काफी अच्छे लगा हुआ है, क्या करता है? दोस्तों ये हार जाएगा, मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं जीत सकता। तो या बकवास कर रहा है, इसके मैंने खुद्दी में लगाने, इसका मत्था इधर व्हाइट बोर्ड में जाकर लगाना है। रियान वो तुम्हें कह रहा है कि वो तुम हार जाओगे, वो तुम्हें गाली नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम आगे से गाली निकाल रहे हो। अब मैं इसको खूब मार देंगे, मुझे तंग मत करो। तो क्या तुम यहीं पर अपने स्टॉप करना चाहते हो? क्योंकि इसके ऊपर और कुछ जुड़ेगा नहीं, ये बार याद रख लो, उसके ऊपर तुम और कुछ नहीं खड़ा कर सकते। मैं तो खूब मार कर गिरा दूंगा। चलो ठीक है, तो रियान जो है अपनी बिल्डिंग को यहीं स्टॉप करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि किसकी ऊंचाई ज़्यादा बनती है। और उसके बाद आएगी मेरी बारी, जो कि या तो मैं बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा या तो बिल्कुल ख़राब बनाऊंगा। ये गिर सकते हैं इसके अलग से रियान की, तो देखते हैं कि रियान की बिल्डिंग कितनी ऊंची है। तो ये है रियान का स्कोर, और देखते हैं कि ये नोमान से कम है कि ज़्यादा है। तो भाई साहब यहाँ पर लाइन लगाओ, यहाँ पर लाइन लगानी है इधर। तो चेक कर रहे हैं रियान के स्कोर्स, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हार गया मुझसे बेचारा, मुसीबत के मारा मुझसे है हारा। जब बगैर बैठा रहा जो है वो नमान से जीत चुका है, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अगले व्लॉग में शान आएगा।